Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज की हमारी रेसिपी राजस्थानी मिर्ची है, जो कि भरवा मिर्ची है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसे आप सुबह और शाम के चाय के साथ ले सकते हैं और छोटे बच्चे भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें तीखापन नहीं होता है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आइए, इस भरवा मिर्ची को किस तरह से तैयार करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो भरवा मिर्ची बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका बैटर तैयार कर लेना है। बैटर के लिए हमने बेसन लिया है एक कटोरी। एक कटोरी बेसन में हमें आधा चम्मच अजवाइन ले लेंगे और इन्हें हमें मसल के इसमें डाल लेना है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आए अजवाइन की। और इनके साथ हमें कुछ मसाले जाएंगे। सबसे पहले नमक एक चम्मच, नमक, लाल मिर्च 1/4 स्पून, हल्दी, और इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। और इनके साथ एक चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और इन्हें हमें मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर हमें तैयार करना है। एकदम से पानी हम नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर हमारा गीला हो जाएगा। काफी पतला बैटर हमें नहीं करना है, ना ज्यादा गाढ़ा हमें करना है इसका बैटर। एकदम से पानी नहीं डालना है। मैंने यहाँ 250 ग्राम मिर्ची, मोटी वाली मिर्ची लिया है और उन्हें स्टफ करेंगे आलू के साथ। इस तरह से ये हमारा बैटर तैयार हो गया। इस तरह से हमारा बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है। इसे आप किनारे रख देंगे। और हमने ये मिर्ची ले लिया है, ये मिर्ची। इस मिर्ची को हमें कट करना है। कट करने से पहले हमें इसकी फिलिंग को तैयार कर लेना है। फिलिंग के लिए हमने यहाँ पे आलू लिया है, 3 उबले हुए आलू, मटर और ये मूंगफली के दाने हैं क्रश किए हुए। इसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे जरूर ट्राई करें। जब भी आप भरवा मिर्चा बना रहे हो तो आप इस तरह से ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैन में तेल डाल लेना है, 1-2 चम्मच हमें तेल डाल लेना है। तेल हमारा गरम हो जाएगा, इसमें 1 चम्मच हमें प्याज डाल देना है, महीन कटा हुआ। और इनके साथ हमें आधा चम्मच हमें महीन कटा हुआ हरी मिर्च डाल देना है, या तीखा आप जितना पसंद करना चाहते हैं उस हिसाब से आप मिर्ची डालें। प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट कलर में आ जाएगा। फिर इसमें हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है आधा चम्मच। और इस तरह से लहसुन अदरक हमें अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और इसमें ये मूंगफली डाल देना है और इनके साथ 1-2 चम्मच हरी मटर डाल देंगे। और इन्हें हमें 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। थोड़े से हमारे मटर पिघल जाएंगे और मूंगफली भी हमारी रोस्ट हो जाएगी। अब इनके साथ हमें इसमें भुना हुआ जीरा डाल देना है आधा चम्मच। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच और 1/4 स्पून हमें हल्दी डाल देना है। और इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। और इसमें अब हमें ये आलू डाल देना है उबले हुए। हम यहाँ 250 ग्राम मोटी वाली मिर्ची की भरवा मिर्ची बना रही हूँ। आप उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप कम या ज्यादा करते हैं उसके हिसाब से ये सब चीजें
घटेंगी और बढ़ेंगी। किसी भी खटाई डाल देना एक चम्मच और इनके साथ हमें चाट मसाला डाल देना है। किसी भी खटाई नहीं है तो आप नींबू डाल सकते हैं, और अगर आप नींबू डाल रहे हैं तो आप पिसी हुई खटाई ना डालिए, नहीं तो दोनों अगर डालेंगे तो बहुत ही खट्टा हो जाएगा। और इनमें हमें थोड़ा सा ताजा हरी धनिया डाल देना है। ऐसा फ्लेम बंद कर देंगे और ये हमारा स्टफिंग, ये देखिए बहुत ही अच्छा। आप चाहें तो नमक मिर्च इसका चख लें, और जो स्वाद में आप नमक मिर्चा खाना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें ऐड कर लें। अब हमें मिर्चियों को काट के तैयार कर लेना है और इस साइड में हमें तेल चढ़ा देना है ताकि ये हमारा तेल गर्म हो जाए। मिर्चियों को काटने के लिए इस तरह से हम मिर्ची ले लेंगे और इन्हें हमें इस तरह से काट लेना है। हमें नीचे वाला भाग नहीं काटना है, सिर्फ ऊपर वाला ही काटना है हमें इस तरह से। और इसके अंदर की जो ये बीजे हैं इन्हें निकाल लेना है। ये मिर्चियां ज्यादा कड़वी नहीं होती हैं, लेकिन इसमें जो भी आप स्टफिंग भर के इसको डीप फ्राई करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। खासतौर पे आप चाय के साथ अगर इसको लें तो बहुत ही मजा आ जाता है चाय का। इस तरह से हमें ये सारी मिर्चियों को तैयार कर लेना है। कुछ इस तरह से हमारी मिर्ची तैयार हो जाएगी, और हमने इस तरह से ये मिर्ची तैयार कर ली है। इस तरह से हमने ये मिर्ची तैयार कर ली है, और आइए अब इसकी फिलिंग को भर देते हैं जो हमने तैयार किया है। इस तरह से आप एक एक मिर्ची में डालते जाएंगे और अच्छे से हाथों से आप इसको भरिए, स्टफ करिए, ताकि एक एक जगह अच्छे से ये अंदर स्टफ हो जाए। तेल हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम हमें इसका गर्म करना है तेल को। इस तरह से एक एक मिर्ची हमें भर लेनी है सारी। हाथों से मैं भरूंगी क्योंकि हाथों से हमें ये प्रेस कर करके दबा के हमें इसको अंदर तक का स्टफ करना है। इससे अंदाज मिलता है कि हाँ अंदर कितना गया। इस तरह से ये सारी मिर्चियों को हमें भर लेना है। ये सारी मिर्चियां हमारी भर गई हैं, अच्छे से इन्हें हमने भर लिया है। अब आइए, और बैटर भी हमारा 5 से 10 मिनट हो गया है इसको रेस्ट किए हुए, और तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब इन्हें हमें डीप फ्राई कर लेना है। एक एक मिर्ची को हम लेंगे और इस तरह से ये बेसन के घोल में जो हमने ये बैटर बना कर रखा है इस तरह से इसे इसमें डीप करेंगे और इन्हें हमें तेल में इस तरह से तल लेना है। तेल हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही ज्यादा गर्म होना चाहिए, मीडियम हमें इसकी हीट को रखना है। और इस तरह से एक एक करके हमें इन सारी मिर्चियों को तल लेना है। पलट लेना है एक साइड से, लाइट गोल्डन कलर का करना है हमें, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, एक हल्का सा कलर देना है, और ये उसमें मिर्चियां हमारी अच्छे से पक भी जाएंगी। देखिए बैटर ज्यादा हमारा ना पतला है ना ज्यादा गाढ़ा है, इस तरह से हमें रखना है इसका। छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान दें तो कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो वो उसी तरह बहुत ही अच्छी बनेगी। बीच बीच में हमें देखते रहना है इसको। देखिए कितना खूबसूरत कलर ये आ रहा है हमारा, और इन्हें हमें निकाल लेना है। बाकी की मिर्चियों को भी इसी तरह हमें तल लेना है। ये हमारी भरवा मिर्ची बनकर तैयार हो गई है।
बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनकर ये तैयार हुई है। आप इसे जरूर ट्राई करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं कि ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। और हमारे हंग्री स्पून चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आप अपना, अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का और ख़ास तौर पे मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.